इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना की नई लहर हिंदुस्तान पर कहर बरपा रही है। आज एक बार फिर इस साल का सबसे खतरनाक आंकड़ा सामने आया है। पिछले 24 घंटे में देश में 26,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। वैसे तो 6 राज्यों में कोरोना का जो स्पीडोमीटर है वो काफी तेज भाग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में है। हर दिन तस्वीर महाराष्ट्र की डरावनी होती जा रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं मुंबई में एक बार फिर हॉटस्पॉट बन गया है। लॉकडाउन का खतरा यहां मंडरा रहा है, लेकिन लोगों का रवैया बेहद शर्मनाक है। बाजारों में भीड़ है, ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है लोगों द्वारा यहां पर। और यही कारण है कि मुंबई में कोरोना की जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कोरोना की ये जो चेन है ये कब और कैसे टूटेगी। तो 2021 का सबसे खतरनाक आंकड़ा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर महाराष्ट्र में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा है। देखिए, पिछले 24 घंटे में 26,291 मामले सामने आए हैं और 118 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई है। और ये आंकड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्यों नहीं हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, क्यों नहीं हम कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हैं। एक और ऐसा ही आंकड़ा आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 16,620 मामले सामने आए हैं, 50 लोगों की मौत हुई है। और महाराष्ट्र में मुंबई की अगर बात करें तो 1,963 मामले यहां पर सामने आए हैं और 7 लोगों ने जान गंवाई है। यही कारण है कि कई ऐसे महाराष्ट्र के शहर हैं जहां पर लॉकडाउन तक की स्थिति बन गई है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या मुंबई में लॉकडाउन लगने वाला है। ये सवाल इस लिहाज से भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि मुंबई एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। एक दिन पहले ही मुंबई की मेयर ने कहा था कि अगर ऐसे ही लगातार मामले बढ़ते रहे तो ये कदम भी उठाया जा सकता है, वो दिन भी बहुत दूर नहीं है। अब जैसा कि हम बता रहे हैं कि क्या मुंबई में लॉकडाउन लग सकता है, वो इन आंकड़ों के हिसाब से हम कह रहे हैं। 10 मार्च के आंकड़े आपने देखे, 1,012 मामले सामने आए थे। 11 मार्च को ये सीधे लगभग 500 से ज्यादा केस जो है वो बढ़ गए, यानी कि 24 घंटे में 1,539 मामले यहां पर सामने आए। 12 मार्च की स्थिति देखते हैं तो लगभग 100 के आसपास मामले और बढ़ जाते हैं और ये बढ़कर आंकड़ा पहुंच जाता है 1,646 पर। 13 मार्च की तरफ जाइए तो फिर से आंकड़ों में वृद्धि नजर आती है और ये बढ़कर पहुंचते हैं 1,709 पर। और 14 मार्च की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही, 1,963 मामले सामने आए हैं। अब क्यूमुलेटिव आप इस ग्राफ को देखिए, 10 तारीख को 1,000 मामले, 14 तारीख को लगभग 1,950, यानी कि 9,050 जो केसेस हैं वो लगातार बढ़े हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में किलर वायरस की स्पीड खतरनाक है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। मुंबई के दादर मार्केट की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आप देख रहे हैं, बेहद डराने वाली ये तस्वीरें। दादर मार्केट में आज सुबह लोगों का हुजूम नजर आया। इस दौरान ना ही सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई और ना ही लोगों ने मास्क पहना हुआ था। मुंबई की अगर हम बात करें तो रविवार के दिन इस साल की अब तक की सबसे बड़ी संख्या जो कोरोना की थी मामले के नए लेकर वो आई है। करीबन 2,000 कोरोना के नए मामले आए हैं जो संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुंबई में कोरोना का सेकंड वेव आ गया है। लेकिन लापरवाही का क्या आलम है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम इस समय मुंबई के दादर सब्जी मार्केट में मौजूद हैं। आप देखिए नज़ारा यहाँ पर, रोज़ाना का यही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहती है, खचाखच भीड़ रहती है और लोगों के चेहरे पर, गिने चुने लोगों के चेहरे पर ही मास्क नज़र आता है। उन वाहनों का ये नतीजा है कि कोरोना के मामले मुंबई में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर रोज़ आंकड़े बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। बीते 5 दिनों के अंदर या एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो करीबन 8,000 से 9,000 कोरोना के नए मामले अकेले मुंबई में आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में लगातार 15,000 से लेकर 18,000 के बीच में कोरोना के मामले पिछले 4 दिनों में आ रहे हैं। जो एक
तो पिछले 24 घंटे की बात करें, मुंबई में 1963 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों को कोरोना का खौफ है नहीं, वो ये तस्वीरें बताने को काफी हैं। कल छुट्टी का दिन होने के कारण मुंबई के जुहू बीच में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इनमें से अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं पहना था। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, आप देखिए लोग इतने पास पास सटे हुए नजर आ रहे हैं, मास्क इन्होंने पहना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। मुंबई में लगातार पिछले 3 दिनों से 1500 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके लोग कितने लापरवाह हैं। जुहू चौपाटी की ये रविवार की तस्वीर आपको दिखाती है कि यहाँ पर आपको लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम कहें तो वो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। और ज्यादातर लोगों की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? सॉरी, क्यों नहीं पहना पब्लिक प्लेस में? सॉरी, आप भूल गई, ये बच्चा खिलाऊं। तो लोगों का इस तरह का जवाब आता है जब आप उनको मास्क के लिए पूछते हैं, कोई कहता है भूल गए, कोई कहता है कुछ खा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन प्रमोद आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है और यहाँ पर केसेस। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? क्यों नहीं पहना था? यो बोला खाली कर, काली बहुत दिमाग खराब कर, बताइए आप। के लिए इसके लिए निकाल दिया था मास्क आपने नीचे क्यों? नहीं नहीं, मैंने तो नीचे नहीं निकाला। क्या पानी निकाल रहे? लेकिन मैडम आप पानी नहीं पी रही हैं, आप पब्लिक प्लेस में खड़ी हैं। पानी पी रही थे, देखो पानी। और देखो यहाँ पर और भी लोग हैं। आपने आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क क्यों नहीं पहना? आप लोग अकेले नहीं है सर, आस पास हजारों की भीड़ है। मैंने तो मास्क पहना था। मास्क क्यों नहीं पहना था आपने? अरे चाय पी रहे थे। यहाँ पर सिर्फ एक या दो लोग ऐसे नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो बिना मास्क के यहाँ पर घूमते हैं और भीड़ अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त है। मैं यहाँ की भीड़ आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर पूरी फैमिली आपको विदाउट मास्क दिखेगी। मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क क्यों नहीं पहना? आप भी निकाली हूँ। लेकिन मैडम पब्लिक प्लेस में बैठी है। हाँ, आप भी निकाल। क्या चाहते हैं आप लोग, लॉकडाउन चाहते हैं? नहीं नहीं, क्यों नहीं पहनते हैं? नहीं, अब भी निकाले हम लोग खा रहे थे, समोसा खा रहे थे। तो जिस तरह हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है बिना मास्क के, लोगों के जवाब बहुत अलग होते हैं और ये जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये भीड़ जो है काफी ज्यादा खतरनाक है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।